आहा मजा आ गया गाइस, मजा 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 आ गया। तो गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर से नहीं, 3 महीने के बाद बना रहा हूं मैं लॉन्ग वीडियो। ये तो काफी टाइम हो गया लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाया। तो गाइस क्या बताऊं आपको, भोलू और कॉन्फिडेंस के कैरेक्टर में इस तरीके से मतलब कि आटे की तरह गूंद गया था मैं कि लॉन्ग वीडियो की तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो गाइज आपसे माफी चाहता हूँ। तो आज मैंने सोचा, आज मौसम भी खराब है क्योंकि रात से ही बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। तो सुबह पापा का फोन आया था तो वो बोल रहे थे कि बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, अगर इसी तरीके से अगर बर्फ पड़ती रही तो लगता है शाम तक यहाँ भी बर्फ आ सकती है, पर पूरा पता नहीं है। मौसम खराब होना गाइज, चाय पीने का भी मजा आ जाता है, कुछ अलग ही मजा है। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने इसमें कुछ भी होमवर्क नहीं किया, सीधा गिम्बल उठाया, माइक लगाया, चाय मंगाया और बस बकना शुरू कर दिया। तो अगर बीच में कुछ गलती हो जाए तो गाइज माफ करना भोलू भाई को। वैसे तो मैं दोनों ही हूँ, भोलू भी हूँ तो कॉन्फिडेंस भी हूँ, दोनों ही इकट्ठे ही हूँ। भोलू तो अभी 2 महीने हुए हैं आए हुए, आपको तो पता ही है। तो वैसे तो कोई रीजन नहीं था लॉन्ग वीडियो बनाने का कि मैं कुछ आपको उपदेश दूं ये किसी चीज के बारे में, ऐसे वैसे बस आ गई मन में, बना दिया। हाँ कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत जरूरी कि आपको किसी का कंटेंट चोरी नहीं करना है, आपको किसी का जो वीडियो जिसने बनाया किसी दूसरे और यूट्यूबर ने उसकी नकल नहीं मारनी है, अपने अंदर के टैलेंट को जगाना है। तो कल का वीडियो जो था थोड़ा शॉर्ट था, इसलिए पूरे तरीके से मैं बता नहीं पाया। यानी कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 10 लाख का कैमरा ले लो और उससे अपनी वीडियो बनाओ। कैमरा तो आपने 10 लाख का ले लिया, पर अगर आपके अंदर खुद कोई चीज नहीं होगी, यूनिक चीज नहीं होगी, यानी कि कोई कॉमेडी नहीं होगी, कुछ यूनिक पन नहीं होगा, तो वो 10 लाख का कैमरा भी बेकार है। तो आप लगता है मेरी बात समझ चुके होंगे कि बंदे के अंदर दम होना चाहिए ना कि कैमरे में। ऐसे तो आप 8-10 हजार का मोबाइल यूज करो, आपके अंदर खतरनाक क्वालिटी होगी, कॉमेडी होगी, कुछ भी होगा, एनीथिंग एल्स कुछ भी, तो आप जो है उस सस्ते मोबाइल से भी अपनी वीडियो में जान ला सकते हैं। तो कहने का मेरा रीजन ये था। तो शॉर्ट वीडियो में मैं पूरी तरीके से बता नहीं पाया, अपने दिल के अरमान पूरे तरीके से नहीं बता पाया। तो मुझे लगभग 5 या 6 महीने हो चुके हैं, पक्का तो मुझे पता नहीं है, YouTube में सोशल मीडिया में आते हुए। वैसे तो Facebook और Instagram मैंने बड़ी पहले से जो है डाउनलोड करके रखा था, पर सीरियस तरीके से नहीं करता था मैं ये चीज़ें, अब कर रहा हूँ मैं सीरियस तरीके से। तो ऐसा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो है ना, बिंदास तरीके से बोलो और हमेशा याद रखना नेचुरल तरीके से बोलना, जो कि अपना अंदर से नेचुरल तरीका है। ऐसा नहीं कि पहले कॉपी में लिखा फिर उसके बाद बोला फिर उसके बाद आपने ओके, वैसे नहीं करना, जो निकलता है बोल दो बिंदास, बस ये है। आपको पता है गाइज, स्कूल में जब मैं था ना, तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं हम, तो उस वक्त 3री-4थी क्लास में सिखाते थे हमें अंग्रेजी, दिस इज मोहन दिस इज जोहन, बस यही था। तो मैं तो वैसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा कम ही हूँ, पर फिर भी जो है अपने आप को कम नहीं समझता हूँ। तो इंसान जो है मतलब कि सीखता रहता है वक्त के साथ साथ। तो यहाँ जब से मतलब कि हमें 15-18-20 साल हो चुके हैं यहाँ पर आए वेरीवाल सर में, तो मैंने दुकान में ही जो है अंग्रेजी सीख ली। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, तो टाइम पीरियड के साथ साथ जो है ना आदमी सीखता रहता है, अगर उसमें सीखने की लगन हो तो। अपने को कभी भी जो है वीक और कमज़ोर नहीं समझना है। साथ साथ में गाइस थोड़ी चुस्की भी लगा देता हूं, नहीं तो ठंडी हो जाएगी चाय समझ सकते हैं आप लोग। पता है गाइस, ऐसे मौसम में ना, ठंडे मौसम में अगर मौसम खराब हो तो पानी वाली चाय भी जो है ना बहुत टेस्टी लगती है, यानी कि कहने का मतलब है अमृत लगने लगती है। आह मजा आ गया, इससे जो है ना चाय पी के अंदर से और फुल हो आ रहा है बोलने का। तो गाइस ऐसी ऐसी बात है, तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। तो कहने का मेरा ये मतलब है, वैसे तो मैंने आपको अभी बोला ही था 2 मिनट पहले कि किसी चीज के ऊपर नहीं बना रहा हूं मैं ये वीडियो, बस मतलब कि अपनी जो बातें वो शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। काफी टाइम के बाद मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया, लगभग 3-3.5 महीने बाद।
तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर आप सोशल मीडिया पर आते हैं तो खुल के जो है वो करो। सबसे पहले तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, उसके बाद आप कैटेगरी चुनो कि आप क्या कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप जो है परफॉर्मेंस करो, आप चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, किसी में भी। तो नकल मत मारना कभी भी, तो हमेशा जो है अपना ही कंटेंट बनाना, चाहे कुछ भी हो, चाहे हफ्ते में एक वीडियो डालो, एक दिन में एक वीडियो डालो। मैं तो दो तीन शॉर्ट्स वीडियो डालते रहता हूँ, लॉन्ग तो कम ही डालता हूँ, शॉर्ट्स ज़्यादा डालता हूँ, पर लॉन्ग भी अब डाला करूँगा मैं। तो फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ, जैसे 5 या 6 महीने हो चुके हैं मुझे, तो धीरे धीरे वक्त से मैं काफ़ी कुछ सीखा। अगर एकदम ही हर कोई आदमी जो है ना इस फील्ड में एकदम ही कामयाब हो जाता ना, तो आज की डेट में सब यूट्यूबर कामयाब हो जाने थे। जो दूसरे यूट्यूबर है बहुत बड़े बड़े, उनको भी टाइम लगा है, वो भी कढ़े रगड़े पीटे तब जाके पहुंचे वो इस पोजीशन में। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है यूट्यूब में, 511-12 कुछ ऐसे है, कुछ समथिंग। तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मेरे व्यू कितने आ रहे कितने आ रहे, मैं जो है ना इंजॉय लेता हूँ इस चीज़ का। मैं मज़ा करते करते जो है सोशल मीडिया में काम कर रहा हूँ। अगर आप इसको मज़ा करते करते इंजॉय करते करते करेंगे तो क्या मैं अभी जो है ना आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आपने दूसरों को देख के नहीं करना है कि उसके तो इतने व्यू आ रहे हैं, मेरे तो 10-12 व्यू आ रहे हैं। वो 10-12 व्यू भी बहुत मायने रखते हैं आपके लिए, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है आपने, ठीक है। बस लगे रहो रात दिन, मतलब कि उदाहरण के तौर पर आप आज अगर बीज डालते हैं तो वो भी आपको 3-4 महीने बाद फल देगा। अगर आप सोचेंगे मैंने आज बीज डाला बस सुबह उठते ही फल तैयार हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। हर काम के लिए अगर आपने सफल होना है तो उसके लिए मेहनत लगेगी ही लगेगी। तो ये चीज है, पानी का गिलास होगा 2 सेकंड लगेंगे उसको उठाने को, ठीक है। यहां से अगर आपने 5 किलोमीटर दूर जाना है तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो मतलब कि ये चीज लेके अपने दिमाग में चलो कि अगर आपने कामयाब होना है किसी भी चीज में तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो गाइज, ऐसा ऐसा था जो मेरे अंदर था जो मैंने आपसे आज शेयर किया। तो कभी भी घबराना मत मेहनत करने से, बस कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, हमारे कृष्ण भगवान जी ये कह चुके हैं। तो यही बात जो है अपने माइंड में सेट करना आपने। तो मैं कॉन्फिडेंस और मेरा भाई भोलू आपको यही बात बताना चाहते थे। तो गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, जबरदस्ती कोई नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर अच्छा लगा तो, अगर मेरी बातें अच्छी लगी, आपको अंदर से मोटिवेशन मिला, तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन जरूर दबाना। तो गाइज, मिलते हैं आपसे एक नए नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। शॉर्ट वीडियो में भी मिलते रहेंगे, फन करते रहेंगे भोलू और मैं, लॉन्ग वीडियो में भी मिलते रहेंगे। तो गाइज, मिलते हैं बहुत जल्दी।